वरना अपुन इसकी गले की नस काट डालेगा। हाँ, आज इसके नस नस पे भैनों से पिटने की खुद नस है। ए, मारो भैनों, चलो पुलिस को फोन कर और बोल कि गोगी को किडनैप करने आए भाई को हमने पकड़ लिया है। ये भाई है? तेरे को क्या भाई कहना लग रहा है? भाई से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। ए, वैसे भी हम लोगों को सस्ती चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, समझा ना? गिन गिन के बदले लूंगा मैं। गिनने का इतना ही शौक है तो अकाउंटेंट बन। ये बहुत बोल रही है, चलो इसको अंदर ले जाके अच्छी तरह से तोड़ते हैं। हाँ। बोलो, टूटा हुआ तंबू भाई को तोड़ने की धमकी दे रहा है? राधिका ठीक करिए, चलो चलो चलो। क्या? चलो ना, हम लोग भी दो चार थप्पड़ मारकर हाथ साफ कर लेते हैं। अरे तेरे को भी गुंडागर्दी का इन्फेक्शन हो गया है क्या? जल्दी से अपना इलाज करवा ले, वरना अखबार में हर रोज देखती नहीं है क्या एनकाउंटर में टपके हुए भाई लोगों की फोटो? अपनी बेटियों को तो मानना पड़ेगा। क्यों? जिस भाई से हमारा पूरा इलाका कांपता था वो ऐसे चीखेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये भाई लोग तो अभी पुलिस की शरण में जाएंगे। तू सुबह सुबह पहली फुर्सत में अपने घर का पता ढूंढ ले। हाँ। अरे हाँ, क्या मेरे थोबड़े में से घर का पता लिखा है क्या? आप लोगों का एहसान मैं कैसे चुका सकूंगा मुझे पता नहीं। मैं बताऊँ आप है ना मुझसे चुप। हम लोगों ने कुछ वसूल करने थोड़े ही एहसान किया है। बस हमें याद रखिएगा और बस आते जाते रहिएगा। वो तो मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। गोगी अपना फोन नंबर तो देते जा। पूजा आंटी के पास मेरा नंबर और पता दोनों है। पते का इशारा दे रहा है काजल, यानी घर पर बुला रहे हैं। अच्छा अंकल, तो अब मैं चलता हूँ। जा रहे तू? जा जा, देख किसी भाई के भाई को थप्पड़ मत मार रहा, या किसी बहन की बहन को आंख मत मार रहा, तो बुरी आदत होती है इन लोगों को। देखो बेटा, शरीफ घर के बच्चे लड़ाई झगड़ा नहीं करते। क्या बात कर रहे हो मम्मी, अपने ही बच्चों के खिलाफ स्टेटमेंट कर रहे हो? क्या मतलब, हम लोग आए दिन झगड़ा करते रहते हैं, तो क्या हम लोग बदमाश करके हैं? बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? बुरा क्यों मानू मैं, बोल बोल तू बोल। मैंने आज तक इतनी भोली लड़की नहीं देखी। गोगी जी, यू सो स्वीट। आपको पता है आप पहले आदमी है जिसने मुझे भोली कहा। बाकी के लोग तो मुझे हथेली कहते रहते हैं। आप बादशाह हो, आप जौहरी हो, आपको हीरे की परख है। थैंक यू। ओ मिस्टर जोहरी, अब अपने घर जाएगा भी? मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय गोगी, बाय बाय बाय। ये तो गया। राधिका, अगर जाते वक्त आदमी मुड़ के देखता है तो समझो कि उसे मोहब्बत है। अच्छा? हाँ, कहते हैं सारा दारोमदार है उसका जाते वक्त मुड़ के देखने पर, कि मिलन से सबूत नहीं मिलता मोहब्बत का। सच? अरे मुड़ना अरे यार स्वीटी, इतनी भी उदास मत बैठ कि पंकज उदास को अपना सरनेम बदलना पड़े। भाई, आज मुझे पता चला जलते और पिघलते मोम का नाम क्षमा की होता है। क्यों? क्योंकि मैं गोगी के प्यार के आग में जल रही हूँ और उसके जुदाई में पिघल रही हूँ। भाई कुछ करो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। हो जाऊंगी? स्वीटी तू पैदाइशी पागल है। तो फिर ऐसा समझो मुझे पागलपन में मास्टर की डिग्री मिल जाएगी। सोचो प्लीज सोचो। मीनाक्षी, कैंसर का इलाज हो सकता है, एड्स का इलाज भी ढूंढा जा सकता है, पर मुझे नहीं लगता प्रेम रोग की रोकथाम के लिए कोई भी वैक्सीन या टीका ढूंढा जाएगा। हाँ यार, तेरी हालत देख के मुझे भी ऐसा लगता है। किताबी दीमक को प्यार का कीड़ा काट सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब तो बस एक आखिरी रास्ता है। क्या? मैं ना उसे खून से लव लेटर लिखूंगी। क्या? हाँ, और ना मुझे तेरी हेल्प चाहिए इसमें। नहीं नहीं, मैं क्यों अपना खून दूँ? अरे खून नहीं, बस कुछ वर्ड्स चाहिए लव लेटर लिखने के लिए। ये मेरा पहला प्यार है, यू नो। राधिका, तू क्यों मेरा धर्म भ्रष्ट कर रही है? मैंने आज तक मर्दों के खिलाफ सिर्फ आवेदन पत्र लिखे हैं और तू मुझसे प्यार का खत लिखने के लिए कह रही है? मीनाक्षी, प्यार की शुरुआत नफरत से ही होती है। भाइयों और बहनों,
इस आवाज के साथ मैं सिर्फ एक ही गाना गा सकती हूँ। इसी बात पे गले लग जा पूजा। आंखी मत कहो ना। मैंने कब कहा आंटी? आंटी मत कहो, आंटी मत कहो, आंटी मत कहो। राधिका मिल गया आइडिया, पूजा को पटाते। आइए आइए पूजा जी। क्या बात कर रहे हो, आपने जी टीवी में नौकरी कर ली है? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर ये नौकरी का ख्याल क्यों आया तुझे? अरे इन्होंने आपके नाम के आगे जी लगाया ना इसके लिए। चलो छोड़ो, मुझे ना आपके साथ एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, आपके भतीजे के बारे में। ये इन सब मामलों में हमेशा आगे रहती है। अरे पहले तुम लोग अपने मम्मी पापा को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है पूजा, वो तुम्हारा मीरा रोड वाला आइटम सलामत पहुंचा कि नहीं? अरे बापू अब तक तो वो पुराना भी हो गया होगा। ए मैंने सुना है मीरा रोड में धूल बहुत उड़ती है। आदमी जब सुबह निकलता है ना तो मार्बल जैसा होता है, और शाम को वापस लौटता है तो कड़पा पत्थर बन जाता है। मुझे तो वहां जाकर बुरखा पहनना पड़ेगा। बीना नहीं दिख रही? अच्छा अच्छा तो तुम बीना को देखने आई हो? बीना बीना जल्दी बाहर आ। चुप चुप चुप, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैं कहां चिल्लाया, यूं ही मुझ पर चिल्ला दियो। ये पूजा तुम्हें देखने आई है। मुझे देखने आई? पूजा नहीं रे बिना, ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी तो आदत है ना मजाक करने की। शर्म नहीं आती पड़ोसी की बीवी के साथ मजाक करते हो? हाँ कल पड़ोसी तुम्हारी बीवी के साथ मजाक करेगा तो? क्या आप डैडी से कुछ खास बात करने आए थे ना पूजा आंटी? आंटी मत कहो ना। ये खास बात करने आई थी? नहीं नहीं, मैं तो अपने भैया भाभी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? नहीं रे बीना, वो आपके घर से ना इतना इम्प्रेस हो गए हैं, इतना इम्प्रेस हो गए, इतना इम्प्रेस हो गए हैं कि बात ही मत पूछो। ठीक है नहीं पूछते। अभी ने तो कहा ना कि बात मत पूछो, नहीं पूछते। क्या आनंद भैया? भैया मत कहो ना। अच्छा नहीं कहती, पर मेरे भैया भाभी है ना आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? देखना चाहते होंगे कि इस नमूना घर का मेन मालिक कौन है। नहीं नहीं, वो अपने बेटे के लिए आपकी एक बेटी का हाथ मांगने आ रहे हैं। अरे इसे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुम लोगों को पता है मैं खुशी के मारे बेहोश हो गई थी। अरे पहले पूरी बात तो सुनने दे, बाद में बेहोश होना। पूजा जी, वो किस बला का हाथ मांगने आ रहे हैं वो? तो मुझे पता नहीं, पर उन्होंने कहा है कि आपकी लड़कियों में से उनके बेटे को एक लड़की इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है कि वैसी लड़की दूसरी हो ही नहीं सकती। फिर तो मेरे सिवा और कोई हो ही नहीं सकता, मैं प्लीज बेहोश हो जाऊं। नहीं, क्योंकि राधिका जैसी लड़की भी और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती। तुझे ऐसा किसने कहा? अंधे बहरे बहुत है इस दुनिया में। हाँ, वैसे पागल भी बहुत है दुनिया में। आपस में मत लड़ो, आपस में मत लड़ो। तो क्या पूजा आंटी के साथ लड़े? आंटी मत कहो ना। पूजा तुम्हारे भाई को हिचकॉक की फिल्में देखने की आदत है क्या? वो कैसे पता चला? ये खामखा का सस्पेंस खड़ा कर दिया उसने। वो तो कल खुल जाएगा ना। खुल जाएगा? अगर आप हाँ कहो ना तो मेरे भैया भाभी ना आपसे मिलना चाहते हैं। आने दो आने दो, मैंने चेक कर लिया है, घर आना अच्छा है। ठीक है पूजा, घराना अच्छा है, हमें कोई एतराज नहीं। कभी कभी दोनों औरतें ऐसी एक जैसे बातें करती हैं, मुझे तो उनकी मिली भगत लगती है। तो ठीक है, कल वो 11 बजे यहाँ आ जाएंगे, अब मैं चलूं? अगर आप उड़ के जा सकती हो तो उड़ के जाओ पूजा आंटी। आंटी मत कहो ना। राधिका ये ले। क्या इसमें? इसमें मुकेश के गाने हैं, कल दोपहर तक तुझे इसकी सख्त जरूरत पड़ेगी। हो सकता है इसकी जरूरत तुझे पड़े। अरे मीनाक्षी वो गोगी अंधा नहीं है कि अगर उसे फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय मिलती होगी तो रितु शिवपुरी को काश करेगा। एग्जैक्टली अगर तुम किसी अंधे को कहो कि राधिका और मेरे बीच में बीवी चुनने को, तो वो फेस को ही टटोल कर मुझे चूज करेगा। हाँ, और राधिका के
फेस पर तो पहले से ही स्पीड ब्रेकर है, एक उसकी आंखों का चश्मा और एक कानों का झुनझुना। तो राधिका जी, आप ये गाना गाने की प्रैक्टिस कर ही लो। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं दीवाना दीवाना दीवाना। ये तो ना आने वाला कल ही बताएगा कि मैं मुकेश के गाने गाऊंगी या तू पड़ोसन के महमूद की तरह मेरी शादी के मंडप के बाहर बैठकर पूंगी बजाएगी। हाय, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं उस घोड़े के नीचे आके अपनी जान दे दूंगी। स्वीटी, आज तक किसी ने घोड़े के नीचे आकर जान नहीं दी। इसके लिए ही बाय, मैं प्यार करने वालों के लिए मरने से पहले मरने की एक नई टेक्निक बता के जाना चाहती हूँ। पटेली, तेरी साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं होगा यार। क्या बात है? सिर्फ टॉप फ्लोर खाली है और शादी करने के लिए दिमाग चाहिए, लफड़े करने के लिए सुंदरता चाहिए। देख मीनाक्षी, अगर सामने वाले में दिमाग हो ना तो इसकी तरफ देख कर अपनी नुकसानी के बारे में भी सोचेगा। ए, मैं एक आदर्श पत्नी बन सकती हूँ गोगी के लिए। हाँ हाँ, लेकिन वो तेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता क्योंकि तेरी आंखों पर पहले से चश्मे लगे हुए हैं। और वो तेरे कानों में वल्गर बातें भी नहीं कर सकता क्योंकि तेरे कानों में पहले से एक ढक्कन लगा हुआ है। अगर मेरे प्यार में सच्चाई है ना तो वो इन सब कमजोरियों को ढक देगा। अबे गोंचू, मेरा प्यार बचपन से सच्चा है। ठीक है, किसका प्यार सच्चा है और किसका झूठा इसका फैसला तो कल ही होगा। हाँ ठीक है, चलो सो जाओ अभी। चलो चलो चल चल। ए अब जो सपना मैंने देखा वो ये नहीं देख पाएगी, वरना इसे गोगी के बंटवारे का ख्याल आ जाएगा। ओ, स्वीटी, यू आर अमेजिंग। इसे कहते हैं दूर की सोच। चल सो जा। सुना? Okay. कल सपने में मैंने सनी डियोल की एक पिक्चर देखी थी। हा? उसमें विलन के अड्डे पर एक ड्रम तुम्हारी तरह ऐसे लोटपोट हो रहा था। मैं तुम्हें विलन के अड्डे का ड्रम लगता हूँ तो सो क्यों नहीं जाते? अरे टेंशन में नींद कहाँ से आएगी? टेंशन? कहाँ की टेंशन? अरे कल वो गोगी के माँ बाप आने वाले अपने किसी एक बला का रिश्ता लेकर। रिश्ता लेकर आ रहे ना तो लोन मांगने तो नहीं आ रहे? कोई टेंशन नहीं है। टेंशन? जब तुम मेरा रिश्ता लेकर आए थे मुझे तब भी टेंशन नहीं था। मुझे लगता है ऊपर वाले ने इसके बदन पर जंगली गेंडे की खाल लगा दी। इतना टेंशन प्रूफ आइटम मैंने कभी नहीं देखा। चिंता करने से चिंता घटती नहीं है, बढ़ जाती है। अच्छा, गीता में कहा है जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। कल की चिंता हम कल करेंगे। सुनो, मुझे ना आज सपने में दीवाना मस्ताना का क्लाइमेक्स देखना है। हा? तो गुड नाइट। पता नहीं इसके सपने हैं या वीडियो थिएटर, जब जी चाहे सब चलते हैं। मैं क्या करूं अभी, मैं भी सो जाता हूं। ऊपर वाले के मर्जी के मुताबिक भयानक सपने देखता हूं। अरे यार मीनाक्षी, इतना टेंशन तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच के वक्त भी नहीं होता। हाँ यार, मुझे भी यही लग रहा है कि जिस लाइन से तेरा मेरा कोई लेना देना ही नहीं उसके लिए हम लोग क्यों झगड़ रहे हैं। हाँ यार, ये प्यार नाम की बीमारी का इलाज हम लोग क्यों करें। कैसी लग रही हूँ मैं? ऐसा लग रहा है जैसे रिपेयर बोर्ड ने पुरानी बिल्डिंग को नया रंग लगाकर खड़ा कर दिया हो। क्या कहा? कोई बात नहीं राधिका, भाई लोगों की बात का बुरा नहीं मानते। और मैं कैसे लग रही हूँ? कपड़ों की दुकान में रखे हुए सजावट के पुतले जैसे। अच्छा, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ? यू नो, रूप निखर आया है बबली के मांगे हुए कपड़ों और गहनों से। बीना, बीना, अरे कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मैं क्या पूछ रहा था, वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? अरे हाईवे पर रेत का ट्रक उल्टा हो गया है, ट्रैफिक जाम है, आना ही चाहिए एनी मोमेंट। ठीक है ठीक है। देखो बहनों, बापो, अपन को भाई बुलाने का। देखो भाइयों और बहनों, आने वाले मेहमानों के साथ जरा तमीज से पेश आना, हम लोग लड़की वाले हैं, समझे? डैड, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि लड़की वालों को ही तमीज से पेश आना चाहिए? बोलो, ये महिला मुक्ति वाली मोर्चा लगाने का बहाना ही ढूंढती है। पूजा आंटी।
बैठिए 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 जी बैठिए बैठिए। आई आई आनंद भैया, ये मेरी भाभी और ये मेरे भैया। अच्छा नमस्ते भैया। ये आनंद भैया और उनका परिवार। ये क्या कर रही हो पुत्र? डोंट वरी, इसे ऐसे गिरते पड़ते रहने की आदत है। ओह मैंने सोचा ये मेरे पैर छू रही है। जी चौ मेहमानों के लिए नाश्ता लाओ। जी और जी, गोगी के मुंह से आपके घर की बड़ी तारीफ सुनी थी जी। हाँ जब से घर आया है बस आप ही के घर की बात करता रहता है। अरे इनसे कहो उसमें कौन सी नई बात है, आधी दुनिया में तो हमारे घर की बातें चलती है। इसीलिए भैया ने कहा कि क्यों ना हम पूजा के पड़ोस को रिश्तेदारी में बदल दें। अच्छा अच्छी बात है अच्छी बात है। आज आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। इतने अच्छे कपड़े पहनकर मांगने आए मम्मी इन्होंने कहा वो रिश्ता मांगने आए हैं। कहिए ओजी, हमारे गोगी को आपकी एक बेटी बहुत पसंद आ गई है जी, हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। कौन सी बेटी पसंद है आपको? हाँ हाँ बताइए, कौन है वो नसीब वाली जो पूजा आंटी को अपनी फूफी सास कहेगी? आंटी मत को ना। अरे गोगी बेटा तुम ही बता दो ना। मैं नहीं नहीं मुझे शर्म आती है। ओए पुत्र हम तो इनसे पहली बार मिले हैं, वो हमें कैसे पता लग गया कि तेरी पसंद क्या है? हाँ बोलो बेटे। वो मुझे मुझे आपकी बेटी वो हाँ हाँ बोलो बेटा। वो मुझे आपकी बेटी काजल से प्यार हो गया है। क्या शॉन्ग नंबर मर गया। मेरा जीवन बचाने वाली को ही मैं अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। नहीं अबे शाणे तू हम लोगों के साथ शादी रचाएगा? हाँ अरे बहू ऐसा नहीं करते। ए चुप बैठ जाइए ना वरना तुम तीनों को अपुन से कोई नहीं बचा पाएगा। ओए गोगी ये तो बड़ी खतरनाक लड़की है यार। हाँ देखो और कुछ नहीं दिखा, सुंदरता और अकल के खजाने को छोड़कर हथियार के गोदाम में घुस गया। ए काजल क्या कर रही है? निकलो निकलो यहाँ से। भैया भैया भाभी निकल लो यहाँ से वरना इस गुंडी का कोई भरोसा नहीं। कहा सुनो सुनो ए काजल क्या कर रही है तू? काजल हाँ अगर प्यार से बात की होती तो कोई और आइटम दिखा देते हम उन्हें। तू चुप बैठ समझी ना, शाणे के अभी दूध के दांत नहीं टूटे और चलाए शेर के साथ शादी रचाने। अरे